आप लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 15 दिन के अंदर हमारे एक और अग्निवीर साथी, अग्निवीर ऑपरेटर अक्षय लक्ष्मण शहीद हुए हैं। उनको याद करते हुए मैं कहना चाहूंगा, शान हो तुम वतन की, सजदा तुम्हें हमारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदियों को है सवारा। साथियों, इस वीर सपूत के माता पिता को याद करते हुए और वीर सपूत के जो सच्ची शहादत है उसको याद करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 30 सेकंड का हम एक मौन ऑब्जर्व करें। कैन वी, धन्यवाद। साथियों, ये विषय बहुत संजीदा है। इसके अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आते हैं कि क्या ये अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, क्या वो स्कीम सही है, वैलिड है, टेनेबल है, देश की सुरक्षा के लिए सही है? तो ये सवाल हमारे जहन में उठते हैं। और इसके साथ इस पॉलिसी के अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही घातक है, ये आप सब लोगों को कई बार हम बता चुके हैं, ये आप देख चुके हैं। देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और बार बार करती जा रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठ के आता है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या वो बैटल हार्डेंड सोल्जर हैं या नहीं है? रेगुलर आर्मी का सोल्जर 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है और उसके बाद 6 साल तक यूनिट में और बाहर जाकर कई कैडर्स करता है, तब जाकर वो बैटल हार्डेंड और ऑल वेदर सोल्जर बन पाता है कि वो सियाचिन या फिर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, डेजर्ट में, कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सके। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अगर ये उम्मीद रखें कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती होने वाला जवान वो बैटल हार्डन होगा या वेल ट्रेंड होगा या क्लाइमेटिकली ट्रेंड होगा, ये एक सवाल है। ये बेसिक बुनियादी सवाल है जिसको हम हमेशा उठाते रहे हैं। और आज अग्निपथ स्कीम के पहला बैच जून में आया था ट्रेनिंग होकर, और उसके बाद पिछले 15 दिन में आपने जैसे देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए। आने वाले समय में क्या होगा, ये हमारा जो डर था वो सार्थक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधबगी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है, क्या ये वायबल होगा देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए, क्या ये पलटन में जाने के बाद डिप्लॉयबल होंगे या नहीं होंगे, तो इन चीजों के बारे में सवाल उठता है। हमारे मेडिकल फील्ड के जो सोल्जर, जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर की होती है, उनको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको सोल्जर नहीं कहा जाता है।
वो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन लड़ाई के मैदान में उनको झोंका नहीं जा सकता। तो सोल्जरिंग करने के लिए हमें कम से कम 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी हम उसको बैटल हार्डन्ड सोल्जर कह सकते हैं, और ऑल वेदर सोल्जर तभी कह सकते हैं जब उन्होंने तीनों चारों तरह के फौज के एनवायरमेंट के अंदर, टेरेन्स के अंदर काम किया हो। अब जैसे जैसे ये शहादतें हमारे सामने आ रही है तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। आर्मी ने खुद ही पॉलिसी लेटर के अंदर चेंज करते हुए एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं कि अग्निवीर को किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, जा सकता है। किसी सेंसिटिव जगह पे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अकेले उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, हार्श कंडीशंस के अंदर उनको इंडक्ट नहीं किया जाएगा, और कई सारी एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस के साथ क्या हम देश की सरहदों को महफूज रख पाएंगे, एक सवाल ये है। दूसरा कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती अग्निवीर क्या वो देश की सही से सुरक्षा कर पाएंगे, और इस सुरक्षा करने की प्रणाली के अंदर अगर वो डिसेबल हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं, तो देश उनके लिए क्या करता है, सरकार उनके लिए क्या करती है, सरकार की पॉलिसी है। देश का सैनिक देश की धरोहर है, जब तक वो ड्यूटी कर रहा है वो देश के लिए सरहदों पे काम कर रहा है और देश महफूज है, आप लोग अपने घर में महफूज हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद या फिर डिसेबल होकर या फिर सुप्रीम सैक्रिफाइस हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिटायर्ड सोल्जर्स का, डिसेबल सोल्जर्स का, या हमारे शहीद सोल्जर्स के परिवारों का ध्यान रखे। इस शहादत के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संवेदना जताते हुए एक ट्वीट किया, हमने भी ट्वीट किया, हमने भी श्रद्धांजलि देने का काम किया। हमारे नेता की श्रद्धांजलि जो दी गई, उन्होंने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है, उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा में समय व ग्रेच्युटी, अन्य सैन्य सुविधाएं, शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। तो ये एक बड़ी आम बात है, हर नागरिक के दिल में उठेगी बात। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर जगह पे, जहां जहां पे सैनिक मिले, पूर्व सैनिक मिले, देश के नागरिकों से बात करते रहे कि अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम क्या देश के लिए सही है, तो हर जगह यही एक सुर में जवाब मिला कि ये देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। तो आज वो चीजें हमारे सामने आ रही है। एक शायद कोई बीजेपी की कोई बी टीम है, उसने कोई सेल्फ स्टाइड इंटरनेट डेटा, कोई एजेंसी है डेटा एनालिसिस करते हैं, उन्होंने कुछ लिखा कि ADGPI की कुछ स्कीम्स हैं, जो उनका ट्वीट था उसको कोट करते हुए कुछ चीजें लिखी, और ये फैक्ट चेक करते हैं, इसमें बोलते हैं कि ये जो ट्वीट है वो फैक्ट नहीं है। पहली बात, आपको किसने अधिकार दिया कि क्या फैक्ट है और क्या नहीं है? ADGPI जो स्पोक्स पर्सन है,
फौज का। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा क्या क्या एंटाइटलमेंट हैं। ये बीजेपी आरएसएस की जो बी टीम है या इनके डेटा एनालिटिक्स है या इनके डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है, उसको हम सिरे से खारिज करते हैं। वो देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा प्रणाली के खिलाफ है, और मोदी सरकार की ये जो अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के खिलाफ है, उसको हम सिरे से खारिज करते हैं। सभी पूर्व सैनिक संगठनों ने पूरे देश में अलग अलग जगह पर अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, अपनी आवाज उठाई है। एडीजी पीआई उन्होंने कुछ बताया कि अग्निपथ स्कीम के अंदर जो लाइन ऑफ ड्यूटी पे जो शहीद हो जाते हैं उनको नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस 48 लाख, सेवा निधि जो कि उनके हर महीने जो तनख्वाह है उसमें से 30% पैसा काट लिया जाएगा, उस पैसे को वापस जिस दिन उसके 4 साल पूरे होंगे या फिर उससे पहले वो हताहत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उस अमाउंट का उतना ही परसेंट सरकार करेगी। तो ये टोटल मिला के 11 लाख बनता है अगर 4 साल नौकरी करते हैं तो क्या 11 लाख में आप देश के लिए मरने मिटने वाले सोल्जर्स तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देश के लिए मरने मिटने वाले सोल्जर्स तैयार करने की कोई कीमत नहीं है। ये देश की सुरक्षा के लिए उनको मान और सम्मान दिया गया है। सैनिकों को पैसे से तोलना बंद करिए। मोदी सरकार बिजनेसमैन की सरकार है, वो सिर्फ पैसे से हर चीज को तोलती है। डिसेबिलिटी पेंशन नहीं लागू की जिसके अंदर 4,000 करोड़ रुपया बचाया, पैसे में तोला। वन रैंक वन पेंशन दी, उसका बहुत सारा हिस्सा नहीं किया, पैसे में तोला, और ये पैसे बचा के अपने साथियों को, जो राहुल जी कहते हैं 20,000 करोड़ कहां गया, 32,000 करोड़ बन गया है और अब पता नहीं आने वाले समय में कितना कितना बनेगा। तो ऐसे में हम सवाल करते हैं कि ये आप पैसा बचाकर क्या करेंगे? सरकार सैनिकों के मान और सम्मान को पैसे से ना तोले। किसी परिवार के बच्चे का शहादत हो जाती है तो उस परिवार पे क्या बीतती है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसको पैसे में ना तोले। फिर वो कहते हैं 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया है और बचा हुआ समय पीरियड जो है उसके लिए जैसे एक साल उसने काम किया है तो 3 साल की बची हुई जो उनकी तनख्वाह है उसको दी जाएगी और कुछ और छोटे मोटे और चीजें हैं। साथियों, यहां पर बड़ा जरूरी है आप लोगों को ये बताना कि अग्निवीर पॉलिसी क्या है। अग्निवीर पॉलिसी के अंदर इन्होंने देश के सैनिकों को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है, रेगुलर सैनिक और अग्निवीर। कम ट्रेनिंग, मैं पहले बता चुका हूं, उस कम ट्रेनिंग की वजह से उनकी मेंटली फिजिकली क्लाइमेटिकली हर तरह से कम ट्रेंड हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को इन तीनों कंडीशंस में झेलने के लिए पूरी तरह से वेल ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए हमें आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे हम कह सकेंगे कि ये पूरी तरह से, ये अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से गलत है। इस अग्निपथ स्कीम के अंदर एडीजी पीआई ने बड़े कन्वीनियंट तरीके से ये तो बता दिया कि क्या देंगे और उनकी बी टीम ने बता दिया क्या देंगे, लेकिन राहुल जी की जो सवाल बुनियादी सवाल थे ना, उसको फैसिलिटीज,
ना पेंशन ना ग्रेच्युटी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलिसी लेटर है ये, टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां कहीं पे ये लोग फंसते हैं तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं। एसी एनवायरनमेंट में बैठकर पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे भेजे फौज में देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। यह मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहूंगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला ना दें। इसमें बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी। डेथ कम ग्रेच्युटी जो है वो शहीद होने के बाद या अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद एक लिमिट सेट की जाती है कि जो भी उसको मंथली पेंशन मिलती है उसका 8 गुना 12 गुना 20 गुना ये उनको दिया जाता है इन केस ऑफ डेथ, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये उनको डिनाई कर दिया गया है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज डिनाई कर दी गई हैं। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, दे विल नॉट बी एंटाइटल टू कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सीएसडी सर्विसेज। तो दे विल नॉट बी एंटाइटल टू पेंशन। जो एंटाइटलमेंट उनकी आपने खत्म कर दी इस स्कीम के जरिए पैसे बचाने के लिए, अपने बिजनेसमैन साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये चीजें उनको डिनाई कर दी गई है। एज लिमिट 17.5 से 21 साल, 17.5 साल में भर्ती और 21.5 साल में अनएम्प्लॉयड, स्ट्रेस ट्रेन पूरी तरह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, फिजिकल ट्रेनिंग का, ऑपरेशनल ट्रेनिंग का, डिसेबल्ड हो गए तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए मना कर दिया गया। तो ये डिनायल है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर फौज का अग्निवीर देश में देश की सेवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके बाद यह भी कहा गया कि देश के अंदर अब कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं होगी, तो आप मान के चलो कि आपके देश की सेना कमजोर होने पे तुली हुई है, मोदी सरकार उसको कमजोर करने पे तुली हुई है। पे एंड अलाउंसेस कहते हैं, पहले साल उसको 30,000 लमसम दिया जाएगा, उसको ना तो डीए दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस मिलता है। आपकी अगर 25,000 तनख्वाह है तो 25,000 के ऊपर जो भी डियरनेस अलाउंस वो मिलता है, लमसम अलाउंस, जिसमें से 30% वो जो सेवानिधि की बात करते हैं यहां पे, 30% सेवानिधि काट ली जाएगी, तो 30,000 की जगह उसको सिर्फ 21,000 में दिए जाएंगे। और ये जो 30,000 जो इकट्ठे किए जाएंगे 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद, उसको 11 लाख में से 5 लाख कुछ अमाउंट बनता है, 5,02,000 सेवानिधि, 5,02,000 उसको उसका इकट्ठा होगा और 5,02,000 उसको सरकार देगी, तो 11 लाख। तो ये हैं एंटाइटलमेंट्स। इसके अलावा कोई भी उनको अलाउंस अलाउड नहीं है, डियरनेस अलाउंस अलाउड नहीं है। तो साथियों ये है बड़ी ही खतरनाक स्कीम, जिसमें आप ये उम्मीद करते हैं कि 21,000 के अंदर हमारा देश का सैनिक एनरोल होकर 4 साल नौकरी करके वापस आएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, और 4 साल जो अपनी सेवाएं देगा तो वो देश के लिए पूरी तरह से लॉयल हो पाएगा?
चार साल में से छह महीने ट्रेनिंग, एक साल छुट्टी, ढाई साल की नौकरी, क्या वो लॉयल सैनिक बन पाएगा, क्या वो ट्रेंड सैनिक बन पाएगा? आज की स्थिति के हिसाब से हमारे देश में 15 लाख सैनिक हैं, 75,000 हर साल रिटायर होते हैं, हमारी सेना की संख्या हमेशा 14,25,000 के आसपास रहती है। इन 75,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट 46,000 अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे, 46,000 में से 40,000 इस बार आए, जिनमें से 5,000 छोड़ के चले गए, आज 35,000 है। तो इस साल की डेफिशिएंसी 2023 में 40,000, 2020 में, 21 में, 22 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं, 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख कम। आज से 5 साल के बाद हमारी फौज 15 लाख से रिड्यूस होकर 10 लाख रह जाएगी। क्या आप अपने देश की फौज को कम होते देखना चाहेंगे? इस 10 लाख में से 2.5 लाख अग्निवीर होंगे, 7.5 लाख रेगुलर फोर्स। 5 साल के बाद हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली का क्या हाल होगा, ये मैं इसके जरिए आपको बताना चाहता था। तो साथियों, ये दो वर्ग क्रिएट किए विद इन फौज, क्लास विद इन क्लास, सोल्जर के अंदर अग्निवीर और रेगुलर, एक की एंटाइटलमेंट कुछ, दूसरे की कुछ और। ऐसी स्थिति में हम देश की सेना से बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर पाएंगे, देश की सेना अपना काम सही पूर्वक नहीं कर पाएगी। इसलिए हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल पूछते हैं कि देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम, जो ना युवाओं के लिए, ना सैनिकों के लिए, ना देश के लिए हितकारी है, उसको आपने क्यों लागू किया? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा कर दी? हमारे अग्निवीर 4 साल में आते हैं, 4 साल के लिए हैं, तो यूनिटों में इनके लिए एक नाम निकल गया है, कहते हैं ये 4 साल हैं, 4 साल मतलब 4 साल तक रहने वाले हैं, ये फौजी नहीं है, तो 4 साल का नाम इनके लिए मशहूर हो रहा है यूनिटों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस के दौरान तो आपने उनके अंदर कमी भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत के समय तो भेदभाव ना करें, शहादत उसकी देश के लिए है, देश की जिम्मेदारी है उसकी शहादत को नमन करना और उसके परिवार को लुक आफ्टर करना, और देश की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको मान और सम्मान देते हुए पूरी तरह से हर तरह के एमोलुमेंट्स जितने बनते हैं कम हैं, एटलीस्ट जितने रेगुलर सैनिकों को बनते हैं उतने इनको दिए जाएं। तो साथियों, अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो अग्निवीर हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए शहादत दे रहे हैं, हमें उन्हें नमन करना है, देश की फौज के साथ हमेशा खड़े रहना है। देश है तो हम हैं, देश की फौज है, अच्छा काम कर रही है, सरहदों को महफूज रख रही है, तो हम हैं, हमारी चैन और सुख और चैन की नींद है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप अपने देश की सेना को कमजोर होते देखना चाहेंगे? मीडिया कर्मियों, आपका चौथा स्तंभ है, सवाल उठाने का काम आपका है, प्रिंसिपल ऑपोजिशन होने, ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते सवाल उठाने का काम हमारा है, लेकिन आप जब तक हमसे कंधे से कंधा मिलाकर ये सवाल नहीं उठाएंगे तो
मेरे ख्याल से आप अपना काम सही नहीं करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, देश की सेना सबकी है, देश की सेना आपकी है, देश के लिए है, इसलिए उसके लिए आवाज उठाएं, हुक्मरानों से सवाल करें। तो मुझे इसके लिए बड़ी एक रेलेवेंट चार पंक्तियां हैं फेमस पोइट दुष्यंत जी की, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। ये साथियों, ये बात मैं आपको एक देश के नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, एक सोल्जर होने के नाते कह रहा हूं, और एक नागरिक होते हुए आपका ये दायित्व है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उसी तरह से हमारी सेना भी देश की है, देश के लिए है और देश के नागरिकों से बनी है। नागरिकों को सवाल करने का अधिकार है, सवाल करिए। और हमारी इस मुहिम में साथ दीजिए। हम कहते हैं देश के लिए अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर गलत है। हमने 15 अक्टूबर को अलवर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रैली भी की, यात्राएं भी की, और 29 तारीख को हम झुंझुनू में करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, जरूर आएं। देश में हर जगह जहां जहां पे भी अग्निपथ अग्निवीर के खिलाफ प्रोटेस्ट है उसके कवर करें और मुखर तरीके से उसको कहें। और आज ये संकल्प लेके जाएं, नो टू अग्निपथ स्कीम, नो टू अग्निवीर स्कीम, यस टू रेगुलर आर्मी। थैंक यू, धन्यवाद।